हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार, भगवान विष्णु जी की एंट्री हो चुकी है इस सीरीज के अंदर, और भाई क्या गजब एंट्री हुई। और भाई ब्रह्मदेव जी भी आए, जिन्होंने बोला कि भाई मैंने जिस तरह दुनिया का बनाने में घमंड ले लिया था, इसी तरह मेरे बेटा घमंड में आ गया, क्योंकि भाई हमने उसको मतलब एक निजाम चलाने के लिए दिया और वो ही अपने आप को सब कुछ समझ रहा है। और वजह सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने कहा था कि हम फुल एपिसोड डालेंगे, वो यार हमने की, लेकिन ब्लॉक हो गई। उसका हम स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे ताकि आपको वाजह आ जाए। बड़ी कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाई। तो लेकिन हम लोग अब डेली की 8 एपिसोड, 7-8 एपिसोड पक्की लेकर आएंगे, जल्दी खत्म हो, ताकि ये सीरीज जल्दी खत्म और आप लोगों को भी मजा आए। तो अब आगे देखते हैं, आखिर आगे होता है क्या। 3-2-1 एंड स्टार्ट। इस संसार के संचालक होने का घमंड हो गया है। क्यों? ये कौन है? महादेव ने जो आपको पूजा अर्चना से मेरे को नारायण का चल रहा है, ये नारायण जी तो नहीं है? उसका क्लेश नहीं है पिताश्री? क्लेश एक बात है नारद, परंतु इस कारण से नाम सुना हुआ है, वो महादेव से अपनी तुलना नहीं कर सकता। दक्ष को अहंकार हो गया है कि भगवान की विभूतियों में उसका भी वही स्थान है जो महादेव का है। इसका क्या हल है भगवान? आपके अहंकार का पांचवा सिर महादेव ने काटा था, महादेव ने तो दक्ष के कर्म भी महादेव तक उसको पहुंचा ही देंगे। परंतु भगवान, पिता ब्रह्मा के 5 सर थे, एक कट गया, 4 रह गए। परंतु भ्राता दक्ष का तो केवल एक ही सर है। यदि वो भी कट जाए तो बात सही बोली। माना माना कि महादेव का इस प्रकार से विरोध करना अच्छी बात नहीं है। परंतु भ्राता दक्ष ने भी कठोर परिश्रम से नगर संस्कृति की स्थापना की है, कर्मकांड की स्थापना की है, पृथ्वी को जीवन निर्वाह के योग्य बनाया है, और वो तो आप ही की उपासना करते हैं प्रभु। मतलब पूजा तो आप विष्णु जी की करते हैं। मनुष्य का जीवन आदर्श जीवन व्यतीत करवाने के लिए उन्होंने दक्ष संहिता भी रच ली है। अब उनकी इतनी उपलब्धियों को भूलकर केवल इस एक दोष से उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना उचित तो नहीं होगा प्रभु। क्षमा करें प्रभु, ये मेरे अपने विचार है। और दूसरी ओर है महादेव, कर्म कांड, सांसारिक रीति नीति, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं। वो तो ध्यान मग्न बैठे रहते हैं अपने कैलाश पर। आए हैं। जब उन्होंने अपनी आराधना के लिए अपने भक्तों से किसी नियम के पालन की अपेक्षा नहीं रखी, तो दक्ष के किसी नियम का उन पर क्यों प्रभाव पड़े? ये भी है, वैरागी के लिए ये सारी चीजें किस काम की? वैसे प्रभु, महादेव भी तो हैं, सब कुछ याद आया। वही तो, क्या हमारे महादेव सदैव वैरागी ही बने रहेंगे या फिर? शिव का पूर्ण वैराग तो हमारे लिए भी चिंता का विषय, पर उन्हें कैसे समझाएं कि उनकी ये अनासक्ति संसार के लिए, सृजन के लिए लाभदायक नहीं भगवान। है भगवान, एक और कोई है, एक और है, ये कौन है? ये कोई आप चाहे कितना भी चिंतन करें, देवी है। उपाय के लिए आपको मेरे पास ही आना होगा। सत्य कहा आपने, आपके बिना विष्णु का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। ये कौन है? पूर्व काल में महादेव ने ही कहा था ना कि वो एक स्त्री से विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करेंगे। जी, कहा था? दक्ष पुत्री सती के रूप में जन्मी देवी शक्ति ही तो वो स्त्री है। देवी शक्ति? अब देर है तो केवल महादेव को सती की ओर आकर्षित होने की। क्या मतलब? सती की तरह? उसके पश्चात वो अपने को सती से अलग नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? मतलब उसके बाद वो सती को अपने आप से अलग नहीं कर पाएंगे, ये क्या सीन है? यानी कि सती जी देवी है, और जिस तरह इनके अनुसार के महादेव और सती जी एक ही है, मतलब एक दूसरे के लिए। ये
शौक है यार। हाँ वही ना, सती को समझ रहे हैं कि बिल्कुल साधारण है, साधारण ही जिस तरह उन्होंने बोला कि ये तो देवी है। तो बस महादेव जो है ना वो इनको इनकी तरफ हमने अट्रैक्ट करना है। सोई हुई है ये और ये आई थिंक वो अपनी तपस्या, क्या होता है तपस्या होती है कुछ ना, कुछ हाँ तपस्या महादेव। वो आँख खुली और आई थिंक इन्हीं को नहीं पता कि ये देवी है ना। आई थिंक इन्होंने कुछ देखा है अलग। महादेव भी सामने, हाँ वो पहाड़ ना, क्योंकि वो महादेव का दिखाया तो उनकी आंखें खुली है। अभी लगता थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है। म्यूजिक बहुत अच्छा है। बादल गरज रहे हैं, लगता है तेज बारिश आने वाली है। अरे वो कौन है वे, देखो देखो चांद के बिल्कुल आगे। ये कौन है, कौन हो सकती है वो? अरे ये भगवान शिव जी तो नहीं है गई? हाँ जिनका ये वो तांडव है ना, आई थिंक ये तांडव है। लेकिन ये प्लीज हम कंफर्म नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये इनको क्यों नजर आ रहा है इस तरह? हाँ ठीक, लेकिन उन्होंने जो बोला था वही तो नहीं हो रहा सी, ऐसा हो सकता है उनको बस करवाना है मतलब जो। हाँ क्योंकि अभी देवी का रूप है जिस तरह उन्होंने बोला। ओ हो क्या ये तांडव ही है ना? हाँ ये तांडव ही है। ओ हो बड़ा मजा, ये बहुत मुश्किल है। और इनको नजर आ रहा है। ये तो भाई ये, हाँ ये वही है, भगवान शिव जी है ये। अरे अरे भाई सती जी ने तांडव भाई, अबे ऊपर आसमान के अंदर किस तरह भाई वो क्यों, और एंड में भाई भगवान जी ने यूं अपना रूप दिखाया भगवान महादेव का आसमान में। अबे क्या सीन था यार वो, अबे वो तो खुद वो सती जी ने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा। और जिस तरह वो देवी जी जो आई थी उन्होंने कहा था ना कि ये सती जी देवी है। और भाई वो पता नहीं कौन सा नाम ले थी, वो माइंड सब निकल गया यार। लेकिन इनको आई थिंक नहीं पता कि ये देवी है। और इनको सिर्फ वो कह रहे ना कि इनको सिर्फ एक दूसरे की तरफ मतवज्जो करना है, अट्रैक्ट करना है ताकि भाई ये फिर एक दूसरे को ये छोड़ नहीं पाएंगे। ये बात बताऊं वजात, कहीं महादेव अगर उनका इशारा देखा जाए तो महादेव और सती जी एक दूसरे के लिए तो नहीं बने, लेकिन सती जी जो है वो तो एक साधारण सी लाग रही है दक्ष जी की जिस तरह बेटी है। और महादेव कहाँ पे यार महादेव, हाँ बिल्कुल। और जिस तरह बीच में अब वो जिस तरह देवी का बोला और देवी भाई अब वो उनको खुद नहीं पता कि मैं देवी हूँ तो।
हाँ, सती जी में ऐसी शक्ति है जो वो खुद नहीं कर सकती। और भाई फिर जब वो गई अपनी गैलरी में बालकनी में तो देखा आसमान की तरफ बादल चांद सटा और भाई पीछे से महादेव जी और उनका जो तांडव स्टार्ट हुआ। गूज बम्स यार, वो वाकई यार सबसे गूज बम्स मिले हैं उसके अंदर। और जब उन्होंने एंड के अंदर अपना जब यूं फेस यूं रिवील किया, डाया दिखाया कि हाँ भाई मैं महादेव हूँ, तो भाई वो वाला सीन और कमाल। और दूसरी तरफ से वो ब्रह्मा देव का पांचवा सर महादेव ने काटा था यार, अंदाजा लगा वो, यानी कि वो भी जिस तरह कह रहे थे ना कि मैं घमंड में आ गया। और नारायण जी ने क्या बोला था, कहता है कि इतने मजे का, कहते हैं चले आपके तो पांच सर थे, एक कट गए, चार आ गए, कहते हैं आपके जो बेटे हैं भाई अपने दक्ष, उसका एक वो कट गया तो वो क्या करेगा। अभी मुझे नारायण जी बड़े शोली बंदे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वाकई में जिस तरह उन्होंने, नारायण जी बड़े कहते हैं माफ कीजिएगा लेकिन ये भी हो सकता, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है नारायण जी। अच्छा, मैंने इनका नाम सुना हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन यार ये बता, अब दल जी को भी घमंड तो आया हुआ क्या में। अब यार आगे देखेंगे आगे होते क्या, क्यों यहाँ पे काफी गंभीर सिचुएशन। हाँ, और यार वो देवी जो आई थी वो कौन है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए, उनका वो नाम शाम उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने ये हमें सच्चाई बताई है कि सती जी में शक्तियां हैं और वो देवी हैं और देवी हैं। हाँ, तो अब आगे देखते होते कि इधर वीडियो खत्म करते, तो बाय।